मैं बहुत दिल से, दिल के गहराइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, सिंदूर को बड़ी मुश्किल से बचाया आप सबने और हमने मिलके। अच्छे संकेत नहीं है अभी। मैं ये भी नहीं चाहता कि इंदौर को लॉकडाउन करें। लॉकडाउन करने से वे बेचारे जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों के परिवार संकट में आ जाते हैं। मुट्ठी भर लोग इस शहर के गलती कर रहे हैं, उसकी सज़ा पूरे इंदौर को नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, कोरोना भी रहेगा, हमें भी रहना है। जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, पहला तो सबको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, सबको प्राणायाम करना चाहिए और काढ़ा पीना चाहिए। दूसरा, मास्क लगा कर ही रहना चाहिए। पहले ये था कि कोरोना का वायरस एयर में ट्रेवल नहीं करता है, पर अब ऐसे भी साइन पाए गए हैं कि अब वो एयर ट्रेवल भी कर रहा है, हवा में घूम रहा है। जरा सी लापरवाही में हमने बहुत लोगों को इंदौर में खोया है। हम नहीं चाहते किसी भी इंदौर वासियों के परिजन हमारे बीच में से जाएं, और इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कि शहर को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, प्राणायाम करें, काढ़ा पिएं और कम से कम जो आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो घर में रहें। अभी जो अभी इंदौर का हमने अभी सर्वे किया लेटेस्ट, सब्जी के कारण कोरोना फैल रहा है। अब सब्जी थोड़े दिन के लिए हम नहीं खाएं, और सब्जी अगर खाएं तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से धोएं, धोने के बाद ही घर में प्रयोग करें। ये बहुत दिल की गहराइयों से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और इसीलिए कि हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंदूर को बचाना है। इंदौर को बचाने के लिए बहुत लोगों ने खूब प्रयास किए, अपना पसीना बहाया है। आपसे निवेदन है, कुछ मुट्ठी भर लोग जो गलती कर रहे हैं, इंदौर को सजा नहीं मिले। बस यही अपील करने के लिए मैंने सब पत्रकार बंधुओं को भी निवेदन किया था, और क्योंकि कल बैठक है और बैठक में प्रशासन को निर्णय लेना है, मैंने प्रशासन को आज सुझाव दिया है कि जो गलती करे उसको सजा दें। जो मार्केट निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता, उस मार्केट को आप लॉकडाउन कर दीजिए, पर शहर को लॉकडाउन करने से भी बचाएं। मेरा बस यही निवेदन था। आप इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।